नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू कश्मीर में तीन जगहों पर एनकाउंटर लगातार जारी है और कुपवाड़ा में तीन आतंकियों के मारे जाने की खबर इस समय जो है मिल रही है। और राजौरी की अगर बात करें तो राजौरी में भी इस समय मुठभेड़ लगातार जारी है। आपको बता दें, राजौरी में मुठभेड़ खेड़ी मोहरा लाठी और दंथल इलाके में कल देर रात से जो है मुठभेड़ शुरू हुई है आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच। इलाके में 2 से 3 जो आतंकी उनके छुपे होने की आशंका जताई जा रही है और देर रात से ही वहां पर लगातार एनकाउंटर जो है वो चल रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिला के तंगधार और माछिल में तीन आतंकियों के मारे जाने की सूचना जो है इस समय मिल रही है। तो ये इस समय की बड़ी अपडेट की राजौरी और कुपवाड़ा में लगातार कल देर रात से ही एनकाउंटर जो है वो जारी है। सुरक्षा बल आतंकियों को मार गिराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में जो बड़ी खबर आ रही है कि कुपवाड़ा में तीन आतंकियों को मार गिराया गया है। आपको बता दें कि कुपवाड़ा में दो अलग अलग में अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ जारी है जिसमें तीन आतंकियों को मारे जाने की खबर जो है वो सामने आई है। सुरक्षा बलों ने माछिल में 2 और तंगधार में 1 आतंकी को मार गिराया है और कुपवाड़ा में अभी मुठभेड़ लगातार फिर भी जारी है क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद वहां पर कुछ और आतंकी छुपे होने की आशंका जो है नजर आ रही है। तो ऐसे में अगर आपको बता दें कि आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में इस समय जम्मू संभाग की खासकर बात की जाए तो जम्मू संभाग में लगातार आतंकी हमलों में इजाफा हुआ है। और ऐसे में जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है तो पाकिस्तान के कहीं ना कहीं गले से ये बात उतर रही है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से यहां पर शांतिपूर्वक जो है चुनाव हो जाए। और लगातार इस तरह के हमले जो है वो आतंकियों के द्वारा देखने को नजर आ रहे हैं और हमारे सुरक्षा बल मुंह तोड़ उन हमलों का जवाब जो है दे रहे हैं। कुपवाड़ा में तीन आतंकियों को जो दो अलग अलग जगहों पर मार गिराया गया है और राजौरी में जो है अभी मुठभेड़ देर रात से ही शुरू हो चुकी है। और इसके मुताबिक आपको बता दें 28 अगस्त को रात 9:30 बजे का ये मामला है। सुरक्षा बलों ने राजौरी के खेड़ी मोहरा लाठी और दंथल क्षेत्र के इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया था जिसके बाद से लगभग कोई 12 बजे के करीब आतंकियों के साथ संपर्क इनका स्थापित हुआ। उसके बाद से चेतावनी भी दी गई आतंकियों को लेकिन आतंकियों की तरफ से जो है गोलाबारी शुरू हो गई और सुरक्षा बलों ने फिर उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया और अभी तक जो है वहां पर गोलाबारी चल रही है, रुक रुक कर वहां पर गोलाबारी हो रही है। और आप अगर बात करें राजौरी के इस इलाके की या कुपवाड़ा की तो दोनों ही जंगल के क्षेत्र हैं जहां पर आतंकी जो है पूरी इस सब अगर हम पीछे पैटर्न की बात करें तो पीछे पैटर्न भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से आतंकी जो है जंगल का सहारा लेकर इस तरह के कारनामों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। और अब भी सेम पैटर्न जो है इस बार भी अपनाया गया है आतंकियों के द्वारा कि जो जंगल का इलाका है वहां पर घात लगाकर जो है हमला करने की कोशिश की गई है। लेकिन जब राजौरी में पता चला कि वहां पर आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं तो उसके बाद से वहां पर लगातार एनकाउंटर जारी है। चेतावनी देने के बावजूद भी आतंकियों ने जो है हमला किया और फिर उसके बाद गोलाबारी की और फिर उसके बाद से है जो सुरक्षा बल जो है उनके द्वारा भी गोलाबारी हुई है। लेकिन अभी राजौरी से कोई अपडेट नहीं आई है कि किसी भी आतंकी के मारे जाने की कोई खबर है। लेकिन कुपवाड़ा की अगर हम बात करें, दक्षिण कश्मीर के कुपवाड़ा की बात करें तो कुपवाड़ा में दो अलग 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 जगहों पर तीन आतंकियों को मार गिराया गया है। फिलहाल इस समय की बड़ी अपडेट जो हमने आपके साथ साझा की, राजौरी और कुपवाड़ा में एनकाउंटर अभी भी पूर्ण रूप से जारी है, एरिया को अभी भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और पूरी कोशिश की जा रही है जो आतंकी वहां पर आए हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है मार गिराया जा सके। फिलहाल इस समय की बड़ी अपडेट जो हमने आपके साथ साझा की। इसी तरह की अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।